नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार एमएससीट से और एक बार फिर से स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लिया था, हमने आप समझ गए होंगे कि हेयर फॉल। देखिए, हेयर फॉल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। मुझे भी कभी कभी साल में एक आध बार हो जाता है, तो मैं उस कारण को जानता हूँ, तो उससे ठीक हो जाती है। ठीक, पहली चीज हम बात करते हैं हेयर फॉल का कारण। देखिए, आज के टाइम में चाहे लड़के हो या छोटे बच्चे हो या पुरुष हो स्त्री हो, सबको हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है। और कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लगता है अब मैं गंजा ही हो जाऊँगा। काफ़ी डिप्रेसिव ये सिचुएशन बना देता है, खासकर उन लड़के लड़कियों जिनकी शादी वादी नहीं हुई है, भाई उनको तो एकदम टेंशन लेवल इंटू हंड्रेड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप शेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम डॉक्टर हैं, हम जानते हैं आपके मन की बात, ये बिल्कुल आप लिख लो। तो इसी चीज़ को अब हम बात करने वाले हैं कि हेयर फॉल रोके कैसे। आज बिल्कुल ही न्यू फार्मूला मैं आपके साथ लेकर आया हूँ, अब 100% बस 3 दिन में, जैसा कि हमने कहा 3 दिन में ये रुक जाता है, एकदम गारंटी आप मैं दे रहा हूँ। ठीक, अगर आपका हेयर फॉल का कारण मैं बात कर लूँ, हेयर फॉल गिरने का, बालों गिरने का कारण, पहला देखिए, जो झड़ना होता है एक अलग चीज़ है और उड़ना एक अलग चीज़ है। ठीक, मैं बात कर रहा हूँ जो बाल हेयर फॉल नॉर्मल नहीं, ये जो गिरते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जेनेटिक नहीं, एक 50 साल के बाद तो आपको बाल उड़ना ही उड़ना है, इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते क्योंकि आपकी जो है मृत्यु तय है। तो आप, मैं तो मृत्यु नहीं रोक सकता, उसी तरह बालों की भी मृत्यु होनी तय है, मतलब ये मरना तय है, इसको डेड तो होना ही होना है आज न कल। इसमें हम बात कर लेते हैं कि पहला कारण, अगर आपको कोई लंबी बीमारी अभी हुआ हो, जैसे टाइफाइड हुआ हो, फीवर हो, बुखार हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हुआ हो, कोई ऐसी दवा आपने खाई हो एक्सीडेंट वगैरह में, जैसे कोई दवा खाते हैं उसके बाद आपके बाल अगर गिरना शुरू हुआ है, उस कारण से गिरते हैं बाल। ठीक, दूसरा कारण ये होता है कि आपके अंदर जो है विटामिन प्रॉपर नहीं ले रहे। देखिए, जैसे बालों खाने के लिए विटामिन होता है, इसलिए बालों के लिए विटामिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जैसे बायोटिन वगैरह है, ठीक, विटामिन ई है, तो इन सब चीज़ों के लिए बाल जिम्मेदार होता है कमी के कारण गिरने के लिए। तो अगर ये प्रॉपर मात्रा में अगर आप नहीं ले रहे हैं विटामिन वगैरह, तो इस चीज़ से भी आपकी बाल गिर सकती है। नेक्स्ट, इस पर हम बात कर लेते हैं महिलाओं का। देखो, महिलाओं में अगर क्या है, एमसी सही नहीं है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, यूट्रस बल्कि सूजन है, ठीक है, यूट्रस में गांठ वगैरह है, हार्मोनल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल का खराब हो गया है, या फिर प्रेगनेंसी की पिल्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, ये आप लिख लेना। पुरुषों में नेक्स्ट हम बात कर लें, आपका लीवर सही नहीं है, पेट सही नहीं है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, तो भी आपके बाल गिर सकते हैं, नेचुरल है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि बच्चों में, देखिए बच्चों में भी क्या है ना, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। छोटे बच्चे जो होते हैं 8 साल उनके भी बाल झड़ते हैं बहुत ज़्यादा, क्या है ना, उनके थोड़ा सा लाइफ स्टाइल उनका सही नहीं होता है, आप घर में गार्जियन की भी गलती कुछ रहती है कि उनका प्रॉपर डाइट प्लान हम नहीं देख रहे हैं, बाहर के सामान कुछ भी उनको जो जिद कर रहा है खिला दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा बाल गिरने के जिम्मेदार हैं। तो ये सब चीज़ें आप पहले देख लें क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब इसमें बात कर लेते हैं कि कौन सा दबा, अगर प्रॉब्लम हो रही है आपका, बाल अगर गिर रहे हैं, परेशान हो गए हैं बाल गिरते गिरते, डिप्रेसिव माइंड हो गया है, तो कैसे हम रोकेंगे। पहला जो दवा मैं बता रहा हूँ मिक्सर है, ठीक है, पहला है चाइना मदर टिंचर, ठीक है, इसको आपको लेना है। और दूसरा जो दवा है वो है चेलिडोनिया मदर टिंचर, याद रखिए, चाइना मदर टिंचर और चेलिडोनिया मदर टिंचर दोनों को एक में मिला लेना है, और 15-15 बूंद सुबह और शाम, बस 2 टाइम आपको लेना है, ठीक, 15-15 बूंद 2 टाइम लेना है, हल्के से गुनगुना पानी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा, गर्म पानी से लेना है। ये लेना है आपको कितने दिन तक, कम से कम आप इसको, रुक तो जाएगा ये 2 से 3 दिन में ही, 2 से 3 महीने आपको लगातार ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 महीने तो मिनिमम मांग चलो। नेक्स्ट, रुको, एक चीज़ और मैं बताने वाला, ये है मल्टी विटामिन, ठीक है, जिनको बीट के नाम से आता है, ठीक, मैं ये काफ़ी ज़्यादा अपने हॉस्पिटल में जिनको बीट भी चलता हूँ, बी वन टैबलेट भी चलाता हूँ, ए टू जेड विटामिन भी चलाता हूँ, या कोई भी ऐसी कंपनी है जो मैं ब्रांडेड, सिप्ला वगैरह का, रनवैक्सी का है, उसकी ब्रांडेड आती है, लेकिन वो ब्रांडेड में क्या है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा वो महंगा देते हैं, चीज़ें वही रहती है लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन ये क्या है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन वीडियो होता है, ये थोड़ी सस्ती होती है, चीज़ें वही ही रहती है। तो जिनको विट आप देख लेना, जिनको विट मल्टी विटामिन ये आता है टैबलेट, इसको आप एक गोली खाना खाने के बाद ज़रूर लीजिएगा, एकदम गारंटी मैं बता रहा हूँ, हेयर फॉल ना रुके तो फिर आप मुझे बताना, ठीक। वीडियो को तुम जल्दी से लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखना, ठीक।
वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। थैंक यू।